हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिरामिड प्रिंटिंग के एक नए पैटर्न के बारे में, और वो ये है पैटर्न। मतलब इस एक प्रोग्राम में हम इस चार तरह के पिरामिड्स को प्रिंट करने वाले हैं। ऑलरेडी इसके पहले हमने बहुत सारी वीडियो पिरामिड प्रिंटिंग से बना ली है, और ठीक उसके कंटिन्यूसली ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पिरामिड प्रिंटिंग के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व जावा के थ्रू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां तक इसके लॉजिक की बात है, अगर हम लॉजिक की बात करें तो हम ये देखते हैं कि सपोज कीजिए अगर हम नंबर ऑफ रोज 5 देते हैं, तो उस केस में फर्स्ट रो में 5 स्टार्स प्रिंट होते हैं, ठीक है। सेकंड रो में एक स्पेस होता है और फिर 4 स्टार्स होते हैं। थर्ड रो में 2 स्पेस होता है और 3 स्टार होते हैं। फोर्थ रो में 3 स्पेस होता है और 2 स्टार होते हैं, जबकि फिफ्थ रो में यानी कि लास्ट रो में 4 स्पेस होते हैं और 1 स्टार होता है। मतलब इस प्रोग्राम में हमें यह देखना है कि एक तो हमें नंबर चाहिए होगा जो 1 से लेके 5 तक काउंट करे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो लाइंस है वो n में यूजर ने क्या दिया है, 5 दिया है। वो जितना भी दे, इस प्रोग्राम के लिए हम मान के चलते हैं कि वो कितना देता है, 5 देता है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये काउंट करने वाले होने चाहिए, और ये भी काउंट करने वाला होना चाहिए कि जैसे कि रो नंबर 1 है तो कितने स्टार्स प्रिंट करते हैं। तो ये पहला काम हो गया रो की संख्या काउंट करने वाला। तो सपोज कीजिए उसके लिए हम कुछ भी ले लेते हैं, आई ले लेते हैं, ठीक है। अब एक है जो ये क्या करेगा, कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं ये काउंट करेगा, तो उसके लिए हम जे ले लेते हैं, ठीक है। और एक है जो स्पेस काउंट करेगा, स्पेस कितने प्रिंट करने हैं, तो उसके लिए मान लीजिए हम के ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, अपने इस आई को बचा लेंगे और आई के बदले हम जो लूप चलाएंगे वो एन से ही चला लेंगे। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा सिंपल आएगा, कम वेरिएबल्स में हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए इस प्रोग्राम को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एन चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला लाइन हमारा क्या होगा, इंपोर्ट स्टेटमेंट हमारा। तो हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर कैसे क्या होगा, कैपिटल होगा। इसके अंदर आते हैं, ठीक है, और एक क्लास बनाते हैं। तो मान लीजिए क्लास का नाम हम पिरामिड ही देते हैं, ठीक है। उसके नीचे आएंगे, हम अपने क्लास को ओपन करेंगे, और इसके नीचे क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक राइट वॉइड और फिर मेन, और फिर इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रिंग आर्ग्स। ये हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, स्ट्रिंग का कैपिटल होगा, ठीक है। और यहां से हमारा ये क्या होगा, मेन शुरू होगा, और अब हम अपने प्रोग्राम को लिखना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम अपने प्रोग्राम लिखने की बात करें, तो सबसे पहले हमें इंटीजर टाइप का एक एन मानना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज हम यूजर से पूछ रहे हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ रोज जो है आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, इनपुट लेने के लिए पता है आपको क्या करना पड़ता है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्कैनर टाइप का एस सी इक्वल टू क्या, न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में क्या देंगे हम, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। ये हो गया मेरा स्कैनर का ऑब्जेक्ट। अब हम इस एस सी की मदद से जो है वो इनपुट ले सकते हैं एन की। तो हम अब मैसेज डिस्प्ले करेंगे यूजर के सामने, कौन सा मैसेज, कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, एंटर नंबर ऑफ रोज, यानी कि नंबर ऑफ रोज को एंटर कीजिए, नंबर ऑफ रोज, ठीक है। और जो भी वो देगा उसको रीड कर लेंगे एन में, तो एन इक्वल टू क्या कर लेंगे हम, एस सी डॉट क्या, नेक्स्ट इन। तो हमारे पास सपोज कीजिए यूजर एन में क्या देता है, 5 ही देता है। तो अब यूजर ने जब हमें 5 दिया है, तो हमें क्या करना है, 5 रोज प्रिंट करने हैं, बिल्कुल इस शेप में, स्टार वाले शेप में, ठीक है। तो हमारे एन में वैल्यू अब रीड हो गया 5। इसका मतलब यूजर ये कहना चाहता है कि आपको टोटल नंबर ऑफ जो रोज होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो अब हम लूप लगाने जा रहे हैं। देखिए लूप लगाना चाहे तो आप एन से भी लगा सकते हैं, लूप लगाना चाहे तो आप आई से भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ताकि आप बड़े आसानी से समझ जाए। तो हमारा जो लूप होगा उसके लिए हम एक आई अलग ले लेते हैं, ठीक है। और पहला लूप लगाते हैं क्या, फॉर आई इक्वल टू 1, यानी आई को 1 से सेट कीजिए, आई लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है, और आई प्लस प्लस। तो खुद देखिए, आई को जब मैंने 1 से सेट किया और कहता हूं लेस देन इक्वल टू एन तक जा रहे हैं, यानी एन मतलब एन में अभी फिलहाल कितना दिया है, 5, तो 1 से लेकर कहां तक जाएगा, 5 तक, और 1 से बढ़ते हुए तो 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, 4 से क्या होगा, 5। तो टोटल 5 काउंटिंग हो गई। तो देखिए, तो रो नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि हमने रो की काउंटिंग के लिए क्या कर लिया, लूप लगा लिया। अब इस रो के काउंटिंग के अंदर आते ही हमको क्या करना है, ब्लैंक स्पेसेस को प्रिंट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में एक भी ब्लैंक स्पेस नहीं है, याद रखिएगा। तो हम यहां क्या करेंगे, फॉर, मान लीजिए ब्लैंक स्पेस के लिए हम बी नाम का वेरिएबल लेते हैं और बी को सेट करते हैं 1 पे, और यहां क्या लूप लगाते हैं, जब तक कि बी इज जो है वो लेस देन क्या है, आई है, और बी प्लस प्लस कर देते हैं। तो देखिए बी कितना पे सेट हो गया,
तो बी वन पे सेट हो गया है ना, और बी इज लेस देन आई है तो वन जो है पहली बार आई भी वन है तो वन इज लेस देन वन है, नहीं तो जब नहीं है तो एक बार भी स्पेस प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, ये पहली बार के लिए। लेकिन जब अगली बार आई बढ़ जाएगा तो आई वन से क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो वन इज लेस देन टू है, जी बिल्कुल है, तो एक स्पेस क्या हो जाएगा यहाँ प्रिंट हो जाएगा। और जब फिर बी बढ़ेगा तो बी कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू इज लेस देन टू है तो नहीं, नहीं है तो क्या होगा, स्पेस प्रिंट नहीं होगा, तो एक ही स्पेस प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा स्पेस प्रिंटिंग का भी लूप लग गया। और इसमें हम क्या स्टेटमेंट देंगे, तो इसमें हम स्टेटमेंट देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट देंगे, ना कि प्रिंट एलन देंगे। आपको पता है क्यों, क्योंकि अदरवाइज अगर आपने दे दिया क्या, आपने दे दिया प्रिंट एलन तो हर एक बार नए लाइन में आएगा, जबकि स्पेसेस को भी अगर हमें प्रिंट करना है तो अगर मतलब बिल्कुल एक साथ क्या करना है, प्रिंट करना है, सेम लाइन में प्रिंट करना है, इसीलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, प्रिंट को यूज करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्या है, तो ये है आपको डबल कोट स्टार्ट करना है, एक स्पेस देना है, डबल कोट को क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो ये हो गया मेरा ब्लैंक स्पेसेस के लिए, ये लूप किसके लिए लगा, ब्लैंक स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए लूप लगा, ठीक है। और ये लूप किसके लिए लगा, ये लूप लगा मेरा काउंट करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ रोज, काउंट नंबर ऑफ रोज के लिए, ठीक है। अब एक और लूप हम लगाना बाकी है, वो लूप है कितने स्टार प्रिंट होंगे वो बताइए। तो उसके लिए फिर से हम एक लूप लगा लेते हैं, फॉर जे इक्वल टू वन, यानी कि जे को कितना पे सेट कीजिए, वन पे सेट कीजिए। और यहां पे कंडीशन लगाना होगा आपको, जब तक जे इज लेस देन या इक्वल टू एन, तो एन में क्या है, फाइव है, एन प्लस वन, यानी कि फाइव में वन जोड़ देंगे तो सिक्स हो जाएगा, और सिक्स में से आई को घटा देंगे, तो सिक्स में से आई को घटाएंगे तो आई पहली बार क्या है, वन, तो सिक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, फाइव, यानी वन से लेके फाइव तक कितनी बार, पांच बार देखिए, तो फर्स्ट टाइम हमें क्या करना है, फाइव ही तो प्रिंट करना है। और यहां क्या कर लेंगे, जे प्लस प्लस कर देंगे, और इसके अंदर क्या लिख देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहां पे भी सिर्फ प्रिंट होगा, और डबल कोट्स के अंदर हम स्टार दे देंगे ताकि स्टार क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो ये लूप हमारा किसके लिए हो गया, ये लूप हो गया हमारा स्टार प्रिंटिंग के लिए, परफेक्ट। इस लूप से हम क्या कर लेंगे, स्टार को प्रिंट कर लेंगे। और देखिए इस स्टेटमेंट के साथ, मतलब इस फॉर के साथ सिर्फ ये स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है, इस फॉर के साथ सिर्फ ये स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें कर्ली ब्रेसेस देने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट लाइन को प्रिंट करने के बाद हमें कहां शिफ्ट होना है, नेक्स्ट लाइन में आना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आने के लिए बस आप एक नॉर्मल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दे दीजिए। देखिए ये फॉर का पार्ट नहीं होगा, फॉर से अलग होगा, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एलन। और हमें क्या प्रिंट करना है, कुछ नहीं प्रिंट करना है, तो हम बस यहाँ क्या करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। बस ये देखिए ये फॉर शुरू हुआ था, ये फॉर खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या शुरू हुआ था, मेन शुरू हुआ था, ये मेन खत्म हो गया, ये क्लास शुरू हुआ था और ये क्या हो गया, क्लास खत्म हो गया। और ये हो गया हमारा प्रोग्राम जो बिल्कुल इस शेप को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अगर आप अपने प्रोग्राम को इसको रन करेंगे, किसी भी आईडीई में आप रन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर सिर्फ आपको एग्जाम में डट के पास कर लेना है तो फिर बस यहीं तक की वीडियो देखिए, लेकिन अगर आपको समझना है कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ड्राई रन का कंसेप्ट मैं हर एक प्रोग्राम में बताता हूं, ताकि आपकी जो लॉजिकल कैपेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी हो जाए, और ताकि आप खुद से भी अगर कुछ नया मिल जाए, सपोज कीजिए कुछ नया पिरामिड प्रिंटिंग मिल जाए, तो आप खुद से लॉजिक लगा सके कि आखिर कैसे उसका लॉजिक फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम रन करते हैं, तो देखिए बहुत सारे वेरिएबल्स मैंने माने नहीं है, आई यहाँ पे है, ठीक है, बी एक मान लेते हैं, ठीक है, और फिर एक कौन सा है, जे। एक चीज याद रखिएगा, देखिए प्रोग्राम में मेरा ये सबसे कमी है मेरे अंदर, मैं आपको बता दूं, मैं जनरली वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन भूल जाता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले से प्रोग्राम रट के मैं नहीं आया हूँ कि मुझे इतने वेरिएबल्स मिलेंगे, इसलिए मैं शुरू में ही सारे वेरिएबल्स मान लूं। तो आप एक बार देख लिया कीजिएगा जो जो वेरिएबल्स यहाँ मैंने यूज किए हैं, अगर मैं गलती से कभी छोड़ दूं तो प्लीज आप उसको यहाँ पे पूरा कर लिया कीजिएगा, उस गलती के लिए मुझे पहले से ही आप लोग माफ कर दें, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन क्या, कि मैंने इतने सारे वेरिएबल्स मान लिए, ठीक है, चलिए रन करते हैं प्रोग्राम को। तो एक एन नाम का वेरिएबल माना, ठीक है, फिर एक आई माना, फिर एक बी माना, और फिर एक क्या माना, जे माना। हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना के इंटर नंबर ऑफ रोज पूछते हैं और sc.next int से n में रीड कर लेते हैं। सपोज कीजिए n में यूजर कहता है 5, बिल्कुल यही शेप मेरा प्रिंट होगा, ठीक है। अब i को हम 1 पे सेट करते हैं, तो चलिए i को 1 पे सेट करेंगे। देखिए इस सेक्शन को हम कहते हैं ड्राई रन, बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेक्शन है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो आपकी लॉजिक इतनी अच्छी हो जाएगी कि अभी तो नहीं, लेकिन जब आप प्रोग्रामर बनिएगा भविष्य में तो जरूर मुझे याद कीजिएगा, सर आपने बहुत अच्छी चीज सिखाई थी ड्राई रन, ठीक है। तो अब i को 1 पे सेट कर दिया और यहाँ कंडीशन चेक करता है कि i इज लेस देन इक्वल टू n है, 1 इज लेस देन 5 है, बिल्कुल है। अंदर आते हैं b को 1 पे सेट करता है, तो चलिए b को मैंने 1 पे सेट कर दिया, चेक करता है b इज लेस देन i है, 1 इज लेस देन 1 है, 1 1 से छोटा है, बिल्कुल नहीं, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ नहीं, मतलब ये वाला लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब आइए j को कितना पे सेट करता है, 1 पे, तो j जो है वो 1 पे सेट होता है। अब ये कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि j इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 माइनस i है, तो n कितना है 5,
तो 5 प्लस 1 6 और 6 माइनस आई आई 1 है, तो 6 माइनस 1 यानी कि 5, यानी ये कैलकुलेट के होगी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो j इज लेस देन इक्वल टू 5, 1 जो है 5 से छोटा है, हाँ जी बिल्कुल छोटा है, तो जैसे ही सही मिला वैसे ही अंदर आया, स्टार प्रिंट कर दिया। चलिए यहां से मान लीजिए मेरा स्क्रीन है तो ये स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये ऊपर जाके j को पढ़ाता है, j1 से कितना हो गया 2 हो गया, 2 इज लेस देन 5, देखिए अभी भी वही चेक करेगा ना, 5 है तो 5 ही रहेगा अभी, 2 इज लेस देन 5 जी बिल्कुल है, प्रिंट कर दीजिए स्टार, ठीक है। फिर ऊपर गया, j को बढ़ाया, j कितना हो गया 3, फिर कंडीशन चेक किया, 3 इज लेस देन 5 जी बिल्कुल है, तो क्या कर दिया, फिर से स्टार प्रिंट कर दिया। फिर ऊपर गया, j को बढ़ाया, j कितना हो गया 4, 4 इज लेस देन 5 जी बिल्कुल अभी भी सही है, क्या कर दीजिए, स्टार प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। फिर ऊपर गया, j को बढ़ाया, j कितना हो गया 5, 5 इज लेस देन 5 नहीं इक्वल टू 5, हाँ इक्वल टू तो है, तो अभी भी सही है, तो ये लाइन क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, और फिर से एक और स्टार क्या हो गया, प्रिंट हो गया। फिर से j को बढ़ाएगा, तो फिर से जब j को बढ़ाएगा तो ये 6 हो जाएगा, और यहां चेक करेगा कि 6 इज लेस देन 5, 6 जो है वो 5 से छोटा है, नहीं बराबर है, नहीं, ये वाला लूप टर्मिनेट। उसके बाद आया इस लाइन पे प्रिंट एलन से, जो भी हमारा आउटपुट कर्सर था वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, और ये मेरा बंद होता है, ये वाला लूप जो यहां शुरू हुआ वो यहां बंद हुआ। तो लूप का कैरेक्टरिस्टिक है कि ये फिर से अपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे पहले जाएगा, जा गया, आई को बढ़ाया, कितना हो गया आई 1 से 2, फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू n है, 1 सॉरी नॉट 1, आई इज लेस देन इक्वल टू n है, तो आई में कितना है 2, 2 जो है वो लेस देन 5 है, बिल्कुल 2 इज लेस देन 5 है। फिर से एंट्री लेता है अपने लूप में, और फिर से b चाहे जो कुछ भी था 1 कर देता है, तो b ऑलरेडी 1 ही था, लेकिन फिर से इसको ओवरराइड करके ये क्या कर देगा, 1 कर देगा। अब चेक करता है कि b इज लेस देन i है क्या, तो b में कितना है 1, लेस देन है 2 के, जी बिल्कुल है, आइए स्पेस प्रिंट कर दीजिए, तो ये क्या करेगा, यहां पे एक स्पेस प्रिंट कर देगा, और ये लूप अभी फिर ऊपर जाएगा, b++ करेगा, b कितना हो जाएगा 2, अब यहां से चेक करेगा कि b इज लेस देन i है, तो b में कितना है 2, 2 इज लेस देन 2 है, बिल्कुल नहीं, 2 2 से छोटा तो होता ही नहीं है, तो फिर अब ये लूप टर्मिनेट। अब आता है अगले लूप पे, इस पे आएगा, j को फिर से 1 पे सेट कर देगा, तो j चाहे जो कुछ भी था इसको फिर से ये क्या कर देगा, 1 पे सेट कर देगा। तो चलिए j चाहे जो कुछ था उसको हमने कितना पे सेट कर दिया, 1 पे। अब देखिए फिर से ये कैलकुलेट होगा, क्योंकि j इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 माइनस i है, तो n की वैल्यू कितनी है 5, 5 प्लस 1 अभी भी 6 हो गया, और 6 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि i की वैल्यू कितनी है 2, तो ये इवैल्यूएट कितना होगा 4 पे इवैल्यूएट हो जाएगा। तो j में 1 है, तो 1 इज लेस देन 4 है, जी बिल्कुल है, स्टार प्रिंट कर दीजिए, कर दिया। ये फिर ऊपर गया, j को बढ़ाया, j कितना हो गया 1 से 2, 2 इज लेस देन 4 है, बिल्कुल सही बात है, फिर आया स्टार प्रिंट कर दिया, कर दिया, ठीक है। फिर j को बढ़ाया, 3 हो गया, 3 इज लेस देन 4 है, जी बिल्कुल है, फिर से स्टार प्रिंट कर दीजिए, लीजिए, कर दिया। फिर ऊपर जाके j को बढ़ाया, j कितना हो गया 4, 4 इज लेस देन 4 है, नहीं इक्वल टू है, हाँ अभी भी सही है, क्योंकि इक्वल टू है, तो चलिए ठीक है, स्टार क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। और इस बार फिर से j को बढ़ाएगा, तो जब j बढ़ के 5 हो जाएगा, तो यहां चेक करेगा 5 इज लेस देन 4, गलत, 5 जो है वो 4 से छोटा नहीं है और ना ही बराबर है, तो अब ये लूप टर्मिनेट हो गया। अगले लाइन में आने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हो गया, तो आउटपुट कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ गया, ताकि अगली बार जो भी कुछ प्रिंट हो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। और यहां से ये उड़ के, फिर मतलब उड़ के नहीं, कंट्रोल जो है वो शिफ्ट हुआ, यहां पे आया और आई को क्या कर दिया, एक्स इंक्रीज कर दिया, आई कितना हो गया 3, देखिए हमारा कुछ कुछ हद तक आने लगा है शिफ्ट। अब देखिए 3 जो है वो यहां से आई है, आई इज लेस देन इक्वल टू एन है, आई में कितना है 3, 3 इज लेस देन 5 है, ये बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा फास्टली समझिए, फास्टली मतलब अब आप अभी तक बच्चों की तरह समझ रहे थे, थोड़ा सा अब प्रोग्रामर की तरह समझिए क्या। तो b को 1 पे सेट कर दिया, ठीक है जी, कर दिया 1 से लेके, सॉरी यहां पे आइए, 1 से लेके और लेस देन i तक, तो 1 से लेके लेस देन i मतलब 3 से लेस देन मतलब 2 तक, यानी कि 1 और 2, क्योंकि 1 से बढ़ रहा है, तो 1 और 2 मतलब ये स्टेटमेंट यानी स्पेस प्रिंट करने का स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, 2 बार, तो यहां पे ये क्या प्रिंट कर देगा, 2 स्पेस प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर ये ब्रेक हो जाएगा, फिर यहां पे आएगा, j को 1 पे सेट करेगा, तो j चाहे जो कुछ भी था फिर से 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये फिर से कैलकुलेट होगा, तो j इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 माइनस i, तो n अभी भी 5 है, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 माइनस i मतलब क्या, 6 में से 3 गया तो 3, यानी यहां 3 हो गया। तो देखिए 1 से लेके 3 तक 1 से बढ़ते हुए 1 2 3, यानी ये 3 बार ये वाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लाइन एग्जीक्यूट होगा, और इसके अंदर क्या स्टार है, तो कितने स्टार प्रिंट हो जाएंगे, 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब फिर से यहां पे आया, अब उस 3 बार स्टार प्रिंट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका टर्मिनेट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से आउटपुट कर्सर कहां जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। फिर से ये ऊपर जाएगा, आई को बढ़ाएगा, आई कितना हो गया 4, 4 इज लेस देन n, 4 इज लेस देन 5, बिल्कुल सही है। फिर से b को 1 पे सेट कर दिया, b जो कुछ भी था 1 पे सेट हो जाएगा,
बी इज लेस देन आई, वन इज लेस देन फोर, तो लेस देन फोर मतलब कहां तक, थ्री तक, तो वन टू थ्री कितनी बार, तीन बार, यानी कि एक से ही भर रहा है ना, इसीलिए मैंने कहा वन टू थ्री, यानी कि तीन बार क्या प्रिंट कर दो स्पेस, तो वन टू एंड थ्री स्पेस प्रिंट कर दो, कर दिया, फिर से जे को वन पे सेट कर दो, जो भी कुछ था जे वन पे आ जाएगा, और फिर से ये कैलकुलेट कीजिए एन प्लस वन माइनस आई, तो एन कितना है फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, और सिक्स माइनस फोर कितना हो गया टू, तो वन से लेके टू तक एक से बढ़ते हुए, तो वन और टू दो बार ये क्या करेगा स्टार प्रिंट कर देगा, तो क्या कर दिया इसने दो बार स्टार प्रिंट कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन से आपका कर्सर क्या आ गया नेक्स्ट लाइन में आ गया, फिर ये ऊपर जाएगा आई को बढ़ाएगा, आई कितना हो गया अब कितना हो जाएगा बढ़ के फाइव हो जाएगा, तो फाइव इज लेस देन फाइव नहीं इक्वल टू, हाँ ये लास्ट टाइम के लिए लूप चलेगा एक से लेके लेस देन आई तक, तो एक से लेके बी वन पे सेट हुआ ना, जब ये बी वन पे फिर सेट होगा तो वन से लेके लेस देन आई मतलब लेस देन फाइव, लेस देन फाइव मतलब फोर तक, यानी वन टू थ्री और फोर, चार बार क्या प्रिंट कर देगा स्पेस प्रिंट हो जाएगा, एक दो तीन और चार स्पेस प्रिंट हो गया, उसके बाद जे को कितना सेट करेगा वन पे, और फिर से ये एग्जीक्यूट होगा एन प्लस वन माइनस आई, तो एन कितना है पांच, पांच प्लस एक छह, और छह में से आई चला जाएगा यानी कि छह में से पांच चला जाएगा तो एक बचेगा, तो वन से लेके वन तक ही जाना है और एक से बढ़ते हुए, तो वन से वन तक एक ही बार चलेगा ना, क्योंकि अगली बार तो ये दो हो जाएगा, तो कितना स्पेस प्रिंट, कितना स्टार प्रिंट करेगा, एक स्टार प्रिंट कर देगा, अगले बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन से कर्सर नीचे आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में, अब जब ये ऊपर जाएगा आई को बढ़ाएगा तो आई कितना हो गया सिक्स, सिक्स इज लेस देन फाइव नहीं, यहां से लेके यहां तक का चीज टर्मिनेट, ये आपका क्लास वन, ये आपका सॉरी ये आपका मेन बंद और ये आपका क्लास बंद हो गया, और जब तक प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हुआ यही शेप तो आपको प्रिंट करना था जो आपने ऑलरेडी कर दिया है, तो ये है एक तरीका जिसे ड्राई रन कहते हैं, और इस तरीके से आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली कैसे आप पता लगाते हैं कि आपका कंपाइलर आपके लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आपको आउटपुट के क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसका आपको आउटपुट निकालना होता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ, मतलब आपको एक कोड सेगमेंट दे दिया जाएगा और बोलेगा बताइए कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो पहला शेप तो हमने कर लिया, मैंने आपको बता दिया, सेकेंड शेप के लिए आपको दिमाग लगाना है, वीडियो को पॉज करना है और देखना है कि आखिर सेकेंड अगर आप शेप को प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या प्रिंट कीजिएगा, पॉज कीजिए दिमाग लगाइए उसके बाद फिर वीडियो को प्ले कीजिए, देखिएगा कि आपने जो सोचा वो सही सोचा या नहीं सोचा, सिर्फ हमें क्या करना होता है बता दूं चलिए बताना ही है मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन क्या प्रिंट कर दूंगा मैं यहाँ पे, सिर्फ मुझे क्या प्रिंट करना होगा जे को प्रिंट कर देना होगा, क्यों, क्योंकि जे ही वन से स्टार्ट होता है, वन से कहां तक फाइव तक, वन से लेके फोर तक, वन से लेके थ्री, वन से लेके टू और वन से लेके वन तक प्रिंट होना होता है, इसीलिए यहां जे कर दूंगा तो ये सेकंड शेप क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा, सेकंड शेप भी हो गया बिल्कुल सेम पैटर्न पे। अब आइए ये तीसरा पैटर्न देखते हैं, तीसरे पैटर्न में क्या करना है आपको, तो तीसरे पैटर्न में फिर आप कैसे करेंगे इसके लिए, फिर से आप यहाँ जो है सिर्फ यहीं पे वैल्यू चेंज करनी है आपको, ठीक है, और भी हो सकता है कुछ करना हो लेकिन मैं आपको हिंट बस इतना दे सकता हूँ कि यहाँ पे आपको चेंज करना है, फर्स्ट लाइन में हर बार एक प्रिंट होना चाहिए, सेकेंड लाइन में हर बार दो प्रिंट होना चाहिए, थर्ड लाइन में हर बार तीन, और देखिए मैंने यहाँ गलती कर दी, फोर्थ लाइन में हर बार फोर और फिफ्थ लाइन में हर बार फाइव प्रिंट होना चाहिए, ये होगा मेरा शेप, ठीक है, तो अब इसको प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, वीडियो को फिर से पॉज कीजिए और देखिए, मुझे तो बताना ही पड़ेगा अदरवाइज चलिए मैं बताता हूँ आपको, तो वन टू थ्री फोर फाइव इसके लिए क्या कीजिए, एक नया वेरिएबल मान लीजिए, यहां तक का प्रोग्राम आपका क्लियर है, ठीक है, बहुत आसान तरीका है, एक वेरिएबल मान लीजिए, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ के, और के को सेट कर दीजिए वन पे, ठीक है, और यहाँ प्रिंट क्या कीजिए किसको, के को, और जब ये लूप टर्मिनेट हो जाए, देखिए इस फॉर के साथ सिर्फ यही एक स्टेटमेंट एसोसिएटेड है, तो यहाँ कर दीजिए के इक्वल टू के प्लस वन, तो पहली बार हर बार के वन ही रहेगा, अगली बार जब के टू हो जाएगा तो हर बार टू ही रहेगा, अगली बार के जब बढ़ेगा तो हर बार क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, तो आपका ये थर्ड शेप भी क्या हो गया प्रिंट हो गया। अब बारी आती है किसकी, फोर्थ शेप की, थोड़ा सा सोचना है बस थोड़ा सा, थर्ड वाला अगर आपने समझ लिया है तो फोर्थ वाला बड़े आसानी से कर लेंगे, इसी पैटर्न पे हो जाएगा, फिर से वीडियो को पॉज कीजिए दिमाग लगाइए और उसके बाद ही प्ले कीजिएगा, ठीक है, देखिए पढ़ना है समझना है तो बहुत जरूरी है इन चीजों को करना, ठीक है, हो सकता है आपको पांच मिनट लगे दस मिनट लगे लेकिन दिमाग लगाने के बाद ही इसे देखिए, क्योंकि सॉल्यूशन जब बना बनाया मिल जाता है ना तो फिर आपके अंदर की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है खुद से सॉल्यूशन बनाने की, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ये वाली शेप प्रिंट करनी है तो कुछ नहीं करना, ये जो के था ना बताऊ, चलिए बताता हूँ, के जो है वो के वन था, तो वन को बस आपको इनिशियलाइज किससे कर देना था, फाइव से कर देना था, और यहाँ के को एक से बढ़ाने के बदले क्या कर देते आप, एक से घटा देते, तो पहली बार के हमेशा फाइव रहता लूप जब तक चलता, क्योंकि इस लूप के साथ सिर्फ यही कनेक्टेड है, ये दोनों तो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, इस फोर से इनका कोई लेना देना है ही नहीं,
तो फर्स्ट टाइम के पूरा 5 रहता, सेकंड टाइम के पूरा 4 रहता, फिर थर्ड टाइम पूरा 3, 2, 1 रहता। तो एक ही प्रोग्राम के पैटर्न पे आप 4 तरह के पिरामिड्स को क्या कर लिया, आपने प्रिंट कर लिया। तो ये है आपको इस तरह के पिरामिड प्रिंटिंग करने का तरीका। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये सारा ड्राइंग का कंसेप्ट, प्रोग्राम लिखने का तरीका समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं YouTube पर बना रहूं, तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।